हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता और आलू के पराठे, और सौरिश को सबसे पहले दे आती हूँ क्योंकि उसकी क्लास आने वाली है और थोड़ी सी ब्रेक मिली है। क्लास तो स्टार्ट है उसकी, लेकिन ब्रेक का भी, तो वो उसी के बीच अपना नाश्ता कर लेगा। तो चलते हैं सौरिश के लिए नाश्ता लेके। फ्रेंड्स, सौरिश की कोई नोटबुक आई है जो सौरिश के ट्यूटर ने मंगाई है सौरिश के लिए। तो ये सौरिश की मैथ बुक आई है। तो सौरिश की क्लास का टाइम हो गया और मैं चलती हूँ, अभी बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है, मैं और सौरिश बैठे हैं रूम में, और ये देखिए, तो आज मैं फिर से मशीन निकाल ली है क्योंकि ये मेरे कॉटन के दुपट्टे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और इनके जो साइड में ये किनारे होते हैं, तो जैसे ही ये काटा गया वैसे का वैसा ही है, इसको ऐसे करके फोल्ड नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको मैं सिलाई लगा के फोल्ड कर रही हूँ। और सौरिश देखिए क्या कर रहा है, तो ये वाली दीवार से वॉलपेपर थोड़ा सा हट गया था, तो सौरिश को अच्छा नहीं लग रहा था, सौरिश ने यहाँ पे टेप लगा दी। तो ये वाला धागा कम मैच हो रहा है और पिंक वाला तो पूरा पूरा मैच हो गया था, लेकिन मैं फिर भी यही लगा दूंगी अभी। तो दोनों दुपट्टों के ये किनारे मैंने फोल्ड कर दिए, और इसका कलर अच्छे से मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कर दिया क्योंकि अगर रह जाता तो फिर रह ही जाता, ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। नहीं, आधा आधा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सौरिश लेके आ रहा आइसक्रीम, और मुझे ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी वाला, और सौरिश को पसंद है चॉकलेट तो ये अपने लिए चॉकलेट वाला। और किस में डाल रहा है, बाउल में नहीं डाल रहा, ग्लास में डाल रहा है। बस बहुत होगी, बस इतनी खाऊंगी मैं। तो इसने ग्लास ले लिए, इसमें आइसक्रीम डाल रहा सौरिश, और अब सौरिश की बारी। ये है चॉकलेट वाली आइसक्रीम, वो तो अंदर ले आना, ठीक है? ठीक है, इसको रख दो फ्रिज में। हाँ जी, रख दो उसको। अब सीधी तरह बैठो ना, फोन छोड़ो, चलो सौरिश, सौरिश फोन छोड़ो पहले। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया 5:15 हो गए हैं, और सौरिश देखिए फोन के साथ लगा है। अभी सौरिश के 5:30 बजे हो जाएंगे और सौरिश के जो ट्यूटर है वो आ जाएंगे, तो सौरिश फिर पढ़ेगा और मुझे फिर करना है आटा बोरी में पड़ा हुआ जो पिसवा के लाए थे उसे छान के ड्रमी में डालना है। ड्रमी को मैं धो के मांझ के धूप में रखा हुआ तो वो सूख गई होगी, तो उसमें मुझे आटा सारा डाल देना है, एक ही बार में छान लूँगी और ये काम करना मुझे। लेकिन मैं सोच रही हूँ अंदर ना करूँ कि आटा सारा गिर जाएगा नीचे, तो बाहर बालकनी में करना मुझे। तो अभी थोड़ा धूप है उधर, थोड़ी देर बाद ये काम करूँगी मैं अभी।
तो आटा मैंने सारा छान के रख लिया, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर, देखे पसीना, पता नहीं हमारे जहाँ बरसात कब स्टार्ट होनी है, बहुत लेट हो गया, मानसून अभी तक इधर नहीं आया और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और कोई हफ्ता ही हो गया तो बिल्कुल लिमिट ही क्रॉस कर दी हुई है गर्मी ने, और लाइट भी बहुत ज़्यादा कट लग रहे हैं। तो मैं अभी चलती हूँ, सौरिश की क्लास ख़त्म हो गई है, उसके जो सर थे वो चले गए अभी, और मैं सौरिश के लिए अभी शेक बनाने जा रही हूँ, और चलती हूँ पहले ये बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज सौरिश के लिए ये चेरी शेक बना रही हूँ, और ये मैंने धो के फ्रिज में रखी थी और इनको अच्छे से साफ़ कर लिया, और अभी इनका जो बीज है वो निकालना है, लेकिन ये नाइफ से अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो ये मैंने एक स्टिक ले ली है, इससे बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो सारे मैंने इस स्टिक से सारे निकाल दिए शीट्स इसके, तो अगर नाइफ के साथ लगी रहती तो बहुत देर लग जानी थी। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से हो गए। और अभी इसमें एक चम्मच पाउडर शुगर डालनी है और आधा ग्लास दूध का, और इसे अब ब्लेंड कर लेना है। तो अभी आइस क्यूब, जो बचा हुआ दूध वो डाल दिया, और साथ ही साथ एक चम्मच वनीला आइसक्रीम डाल दी, तो फिर से ब्लेंड कर लेना इसको, और ये रेडी हो गया चेरी शेक। तो सौरिश को कुछ आइस ज़्यादा पसंद है तो एक्स्ट्रा आइस डाल दी। फ्रेंड्स अभी खाना वगैरह सारा हो गया, और मैं और सौरिश, सौरिश के पापा, हम सारे आए हैं छत पे, और अभी घूमने के लिए बिजली चमक रही है, लगता है कि बारिश आ ही जाएगी, देखिए, और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया, तो बारिश आने ही वाली है, अभी देखते हैं कब तक आती है। ऐसे लग रहा है कि दूसरी साइड बारिश हो रही है, और लगता है हमारे जहाँ भी आ ही जाएगी, तो देखते हैं, हम वेट करते हैं अभी। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग अभी यही ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना, अपनी फैमिली का, बच्चों का ध्यान रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।